हेलो एंड वेलकम टू इंजीनियरिंग बज इंस्टीट्यूट तो गाइज़ आज हम लोग डे फोर्टीन में पहुंच गए अपने सिविल थ्रू क्वेश्चंस की स्पेशल सीरीज़ में जिसमें हम लोग फ्लूड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो है वो पढ़ रहे हैं तो इस सीरीज़ में जो हमारी सिविल थ्रू क्वेश्चंस की सीरीज़ है इसमें हमने हम एस एस गेट ई और स्टेट ए जे में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनके हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं अभी हम लोग फ्लूड मैकेनिक्स में एस एस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और अभी तक हम लोग एस एस जेई के 150 फिफ्टी क्वेश्चन ऑलरेडी अपने लास्ट 13 डेज में सॉल्व कर चुके हैं अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 151 फिफ्टी वन टू वन सॉल्व करेंगे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल है विच इज इंजीनियरिंग बस इंस्टीट्यूट इसमें हम लोग डेली डिफरेंट टाइमिंग पे अपने क्विजेज़ अपलोड करते रहते हैं ये एज ऑफ टूडे दैट मीन्स एज ऑफ फोर्टीन जून टू जो हमारी टाइमिंग है क्विजेज़ अपलोड करने की वो ये है और जो जीके है उसका अलग चैनल है टेलीग्राम चैनल और सिविल के सब्जेक्ट्स का अलग टेलीग्राम चैनल है तो यहां पर जाके आप हमारे क्विजे अटेम्प्ट कर सकते हैं अभी आज दैट मीन 14 जून 2020 को हमने जो अपने टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड किया था फ्लूड मैकेनिक्स का वो एस एस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही थे तो उनका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन है एट द सेंटर लाइन ऑफ अ पाइप फ्लोइंग अंडर प्रेशर वेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो द स्ट्रेस विल बी ठीक है तो एक पाइप बोला है क्योंकि पाइप बताया नहीं है कि कैसा है तो हम मान लेंगे कि सर्कुलर ही होगा ठीक है प्लेट फ्लेट प्लेट्स नहीं बोली हैं अगर प्लेट्स मेंशन किया होता स्पेसिफिकली तो तब हम देखते लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया है तो इसका मतलब सर्कुलर पाइप ही बोला है सेंटर ऑफ अ पाइप फ्लोइंग अंडर प्रेशर वेयर द वेलोसिटी ग्रेडियंट इज जीरो ठीक है द सियर स्ट्रेस विल बी टाउ पूछ रखा है यहाँ पर सेंटर लाइन सेंटर लाइन पर टाउ पूछ रखा है ठीक है तो टाउ टू हमें पता है म्यू डी यू बाई डी वाई होता है एक फार्मूला ओके हमसे बोल रहा था कि वेलोसिटी ग्रेडियंट जो सेंटर पे होता है पाइप के सेंटर पे वेलोसिटी ग्रेडियंट जीरो होता है तो यहाँ से हमें सीधे सीधे मिल जा रहा है इज इक्वल्स टू म्यू इंटू जीरो दैट मीन्स जो हमारा सी एल स्टेस होगा वो जीरो होगा ठीक है इसी चीज़ को हम एक और फॉर्मले से निकाल सकते हैं हमें पता है कि जो हमारा सर्कुलर पाइप है उसमें लेमिनार फ्लो के लिए इज इक्वल्स टू होता है माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इन आर बाई टू ओके तो यहाँ पर से यहाँ पर से हम जब आर लेते हैं ऊपर को ओके okay. तो ये यह आर यहाँ पर क्या होगा सेंटर लाइन पर आर की वैल्यू क्या होगी जीरो तो इसको हम जीरो ले, ले लेंगे तो हमारा सी एल स्टेस अगेन जीरो आ जाएगा ठीक है और अगर हम इसका वेरिएशन अलोंग द पाइप पाइप के जो डायमीटर है उसके अलॉन्ग हम अगर अपने सी एल स्टेस का वेरिएशन दिखें तो वो कुछ इस तरीके का होगा इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं दैट मीन्स एट आर इजिक्वस टू जीरो दैट मीनस सेंटर पर टाओ इजिकल्स टू जीरो होगा एट आर इजिक्वल्स टू कैपिटल आर क्या होगा क्या आर इजिवल टू कैपिटल आर का मतलब यहाँ पे बाउंड्री पे सीयर स्ट्रेस मैक्सिमम होगा क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडियंट मैक्सिमम होगा ठीक है तो टाउ इजिगल्स टू यहाँ पे कैपिटल आर रखेंगे तो हो जाएगा माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इन टू कैपिटल आर बाई टू ओके तो सीयर स्ट्रेस का जो वेरिएशन होगा वो लीनियर होगा ठीक है लीनियरली वेरी करेगा विद विद रेस्पेक्ट टू रेडियस तो इस तरीके का हमारा सीयर स्ट्रेस वेरी करेगा अलोंग द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पाइप ओके और वेलोसिटी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी है वेलोसिटी किस तरीके से वेरी करती है पैराबोलिकली ओके वेलोसिटी सेंटर पे मैक्सिमम होती है और सीयर स्ट्रेस सेंटर पे जीरो होता है वहीं वेलोसिटी बाउंड्री पे जीरो होती है और सीयर स्ट्रेस बाउंड्री पे मैक्सिमम होता है वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है यू इज टू वन बाई फोर म्यू इंटू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स ओके इन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ओके तो कैपिटल आर इज रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाइप ओके और स्मॉल आर इज लेंथ फ्रॉम फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर पाइप ओके तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो एट आर इज इक्वल्स टू जीरो जो हमारा ये ये इक्वेशन है ये यू मैक्स आएगी और एट आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर ये जो यहाँ पर ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यू इजिक्वल्स टू जीरो आ जाएगा ओके okay, तो यहीं से ये हमने ये वेरिएशन वो डेराइव किया है कि जो हमारा वेलोसिटी का वेरिएशन होता है इन केस ऑफ लेमिनार फ्लो वो पैराबोलिक होता है और जो सीयर स्ट्रेस होता है वो इस तरीके का होता है लीनियर होता है तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा सी दैट मीन्स सीयर स्ट्रेस जीरो होगा एट द सेंटर ठीक है अगला क्वेश्चन है द फ्लो इन अ चैनल इज लेमिनार एंड रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन बाय 1200 व्हाट इज द फ्रिक्शन फैक्टर ऑफ फॉर द चैनल ठीक है तो दो टाइप के फ्रिक्शन हमने पढ़े हैं एक मतलब फ्रिक्शन फैक्टर और फ्रिक्शन कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग चीजें होती है ठीक है तो आपसे क्वेश्चन में फ्रिक्शन फैक्टर भी पूछ सकता है फ्रिक्शन फैक्टर इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एफ और आपसे क्वेश्चन में कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी पूछ सकता है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इट इजनोटेड बाय एफ डैस तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इज रिज्वस्ट होता है फ्रिक्शन फैक्टर डिवाइडेड बाय फोर ठीक है तो फ्रिक्शन फैक्टर के फॉमुले हम लोग पढ़ेंगे उसमें से हम फोर डिवाइड कर देंगे तो हमें अगर क्वेश्चन में कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा होगा तो हम निकाल देंगे ठीक है तो फ्रिक्शन फैक्टर अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग होता है दैट मीन्स लेमिनार फ्लो के लिए अलग होता है तो फॉर लेमिनार फ्लो लेमिनार फ्लो लेमिनार फ्लो कब होता है जब रेनॉड्स नंबर जो है वो लेस देन टू थाउजेंड होता है ठीक है रेनॉड्स नंबर का फॉर्मुला हमें पता है रो वी डी अपॉन म्यू ओके तो रेनॉड्स नंबर यदि लेस देन टू थाउजेंड है तो हमारा जो फ्रिक्शन फैक्टर है इट इज़ इक्वल्स टू सिक्सटी फोर बाय आ रई ओके तो ये लेमिनार फ्लो के लिए हो गया सेकेंड केस हमें पता है कि जब रेनॉल्ड्स नंबर जो है वो ग्रेटर देन फोर थाउजेंड होता है तो तब क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो ओके तो टर्बुलेंट में भी हमारे पास फ्रिक्शन फैक्टर के लिए दो अलग अलग फार्मूले हैं पहला फॉर्मूला तब है जब हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर है इट इज ग्रेटर देन फोर थाउजेंड बट लेस देन टेन डिस्ट्री पावर फाइव और दूसरा है जब हमारा जो रेनॉल्ड्स नंबर है इट इज ग्रेटर देन टेन डिस्ट दावर फाइव बट लेस देन फोर इंटू टेन डेज दावर सेवन ठीक है तो ये तीन केस ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं तो इस केस में जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है इट इज़ इक्वस टू जीरो पॉइंट थ्री वन सिक्स डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर की पावर वन बाय फोर और इस केस में जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है इट इज़ इक्वस टू वॉट इट इज इक्वस टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री टू प्लस जीरो पॉइंट टू टू वन डिवाइडेड बाय रेनॉड्स नंबर की पावर जीरो पॉइंट टू थ्री सेवन ओके तो इसको मैं अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रिक्शन फैक्टर वेन रेनॉड्स नंबर इज रिटून टेन जी फाइव टू फोर इंटू टेन आर सेवन इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री प्लस जीरो पॉइंट टू टू वन डिवाइडेड बाय रेनॉड्स नंबर की पावर जीरो पॉइंट टू थ्री सेवन ओके तो ये तो हमारा हो गया केस ऑफ स्मूथ पाइप स्मूथ पाइप के केस में जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर होता है उसके फॉर्मूले ये तीन होते हैं ठीक है अब हम पढ़ते हैं रफ़ पाइप के केस में रफ पाइप के रफ पाइप के केस में जब हमारा लेमिनार फ्लो वाला केस होता है लेमिनार वाला केस क्या होता है जब रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन टू थाउजेंड तो उसमें जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है सिक्सटी फोर बाय आर ई वो सेम रहता है ठीक है लेकिन जो टर्बुलेंट केस होता है टर्बुलेंट मतलब रे, रेनॉल्ड्स नंबर ग्रेटर देन फोर थाउजेंड उसका फॉर्मूला हो जाता है ये वन बाय अंडर रूट एफ इक्वल्स टू टू लॉग बेस टेन आर बाई के प्लस वन पॉइंट सेवन फोर ठीक है तो इसके अब से हम फ्रिक्शन फैक्टर अपना निकालते हैं यहाँ पे ए क्या है ए इज़ द एवरेज साइज ऑफ साइज ऑफ रफनेस ठीक है तो जो हमारा रफ पाइप है उसका एवरेज साइज जो होगा रफनेस का मिली मिलीमीटर mm, mm, mm को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा हमारा के और आर इज़ द रेनॉल्ड्स नंबर तो इसके हल्प से हम फ्रिक्शन फैक्टर निकालते हैं ओके तो ये हो गए हमारे चार पांच फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं पहला फॉर्मुला दोबारा से रिपीट कर लेता हूँ स्मूथ पाइप के लिए जब लेमिनार कंडीशन होती है तो फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला ये होता है सिक्सटी फोर बाय आर ही टर्बुलइन कंडीशन में यदि रेनॉल्ड्स नंबर फोर थाउजेंड से टेन पावर फाइव तक है तो फ्रिक्शन फैक्टर जो पॉइंट थ्री वन सिक्स डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर की पावर वन बाय फोर और यदि इससे ज़्यादा है टेन पावर फाइव से ज़्यादा है तो फ्रिक्शन फैक्टर जो है जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री टू प्लस जीरो पॉइंट टू टू वन डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर की पावर पॉइंट टू थ्री सेवन वहीं रफ पाइप के केस में फ्रिक्शन फैक्टर लेमिनार के केस में वही फा सिक्सटी फोर बाय आर ई और टर्बुलेंट के केस में वन अंडर रूट है फिजिकल्स टू टू लॉक बेस टेन आर बाई के प्लस वन पॉइंट सेवन फोर ठीक है तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ को क्वेश्चन में बोला है कि रेनॉर्स नंबर दे रखा है ट्वेल्व हंड्रेड बोल रखा है कि फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा चैनल का ठीक है तो हमें पता है कि जब रेनॉड्स नंबर लेस देन टू थाउजेंड होता है तो फ्रिक्शन फैक्टर यूकोस्ट होता है सिक्सटी फोर बाय आर ई तो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर हो जाएगा सिक्सटी फोर डिवाइडेड बाय रेनॉर्ड्स नंबर की वैल्यू दे रखी है ट्वेल्व हंड्रेड ओके तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये जो वो तो आ जाएगा क्या जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री ओके तो हमें ऑप्शन में ये जो ऑप्शन डी है इट इज जीरो पॉइंट जीरो फाइव थ्री तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन अगला क्वेश्चन है द फ्लो इज क्लासिफाइड एज द लेमिनार फ्लो वैंड द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द रेनॉल्ड्स नंबर इज ठीक है तो ये तो हमें पता ही है कि जब रेनॉल्ड जब रेनॉल्ड्स नंबर लेस देन टू थाउजेंड होता है तो तब हमें होते हैं लेमिनार फ्लो यदि रेनॉल्ड्स नंबर इज बिटवीन टू थाउजेंड टू फोर थाउजेंड तो ये हमारा होता है ट्रांजिशन फ्लो और यदि जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है इट इज ग्रेटर देन फोर थाउजेंड तो ये होता है हमारा टर्बुलेंट फ्लो ओके तो इस केस में क्या बोल रखा है लेमिनार कब होगा तो लेमिनार uh, कब होता है जब रेनॉल्ड्स नंबर इज लेस देन टू थाउजेंड तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन अगला क्वेश्चन है द वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स इज तो सर्कुलर पाइप के केस में टर्बुलेंट फ्लो में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो अभी हमने अभी पढ़ा था ना जो u वो फॉर्मूला नहीं था u इज इक्वल्स टू वॉट यू इज इक्वल्स टू तो वन बाई टू म्यू माइनस डेल पी बाय सॉरी यू इज इक्वल्स टू वन बाई फोर म्यू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इन कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर तो ये फॉर्मूला था लेमिनार कंडीशन के लिए ठीक है तो लेमिनार यदि फ्लो होगा तो जो हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पैराबॉलिक होता है ठीक है लेकिन टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो हमारा वैलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है इट इज लॉकर ठीक है तो आपको याद रखना है आपको इसका फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं पढ़ना है बस आपको याद रखना वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है टर्बुलेंट फ्लो के केस में थ्रू सर्कुलर पाइप इट इज लॉगरिथमिक ठीक है तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन अगला क्वेश्चन है रेनॉल्ड्स नंबर आर टेन लैक देन वॉट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फॉर द स्मूथ पाइप ओके तो टेन लैख का मतलब क्या हुआ ये हो गया टेन रेस्क्यू पावर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टेन रेस्क्यू पॉर सिक्स ओके अभी अभी हमने क्या फॉर्मला पढ़ा है कि जब हमारे रेनॉल्स नंबर जो है ना वो टेन रेस्क्यूआवर सिक्स से, से ज्यादा होता है तो जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर है उसका फॉर्मला टेन फाइव से अगर ज्यादा होता है तो उसका फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला फॉर्म। होता है जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री टू प्लस जीरो पॉइंट टू टू वन डिवाइडेड बाय रेनॉस नंबर की पावर पॉइंट टू थ्री सेवन ओके तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमें फ्रिक्शन फैक्टर निकालना है फ्रिक्शन बोल रखा है फ्रिक्शन का मतलब फ्रिक्शन फैक्टर ही निकालना है स्मूथ पाइप के लिए स्मूथ पाइप भी दे रखा है ठीक है रब पाइप के लिए अलग फॉर्मूला होता है तो स्मूथ टाइप के लिए यदि हमारा जो रेनॉल्ड नंबर है इट इज ग्रेटर देन टेंडर ट्यू आर फाइव तो जो हमारे फ्रिक्शन फैक्टर का हमने फॉमूला पढ़ रखा है इट इज इक्व टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री टू प्लस जीरो पॉइंट तो टू टू वन डिवाइडेड बाय रेनॉल्ड्स नंबर की तो पावर जीरो पॉइंट टू तो थ्री सेवन ओके तो इसमें हम अपना रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू रख देंगे विच टू आर सिक्स तो जो हमारा आंसर है इट विल कम

तो फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला में पता है फ्रिक्शन फैक्टर इन केस ऑफ रफ पाइप रफ पाइप के केस में फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला पता है वन बाय अंडर रूट एफ इज इक्वल टू टू लॉक आर बाई के प्लस वन पॉइंट सेवन फोर okay, ओके तो टर्बुलेंट फ्लो के केस में जो हमारा फ्रिक्शन फैक्टर का फॉर्मूला होता है रफ पाइप में वो ये होता है और लेमिनार के लिए वही ओल्ड वाला जो पहले हमने पढ़ा था वही होता है लेकिन अभी वो वो वाला फॉमुला क्या होता है फ्रिक्शन फैक्टर यूज सिक्सटी फोर तो बाय आर ही लेकिन हमें रेनॉर्स नंबर इस क्वेश्चन में दे नहीं रखा है तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर नहीं सकते ठीक है तो हमें इसी फॉर्मूले की हेल्प से जो हमारा एफ़ है वो निकालना पड़ेगा ठीक है तो ये हो जाएगा वन बाय अंडर रूट एफ इज इक्वल्स टू टू लॉग आर इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर के इज जीरो पॉइंट टू फाइव सेंटीमीटर प्लस वन पॉइंट सेवन फोर ठीक है तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल कम आउट अराउंड जीरो पॉइंट जीरो थ्री ओके तो ये ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है द रफनेस कोपिशन फॉर द चैनल इज गिवन एज एफ द चेजीज कोफिशियंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ठीक है तो हमें पता है एक चेजीज फार्मूला हमने पढ़ा है चेज़ीज़ फॉर्मूला क्या होता है कि जो वेलोसिटी होती है इट इज इक्वस टू सी अंडर रूट आर एस ठीक है तो यहाँ पर जो सी है इट इज़ चेज़ीज़ कोपिशेंट आर इज हाइड्रोलिक रेडियस एस इज स्लोप ठीक है तो इसने बोल रखा है जो हमारा चेज़ीज़ कोपिशेंट होता है सी इट इज ये जो एफ से फ्रिक्शन फैक्टर से किस तरीके से रिलेट होता है तो ये इस तरीके से रिलेट होता है आपको ये फॉर्मुला याद रखना है सी जी होता है अंडर रूट एट जी डिवाइडेड एफ ओके तो यहाँ से आ जाएगा कि सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एफ ठीक है तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स वेन प्रेशर ग्रेडियंट एच ओके तो ये बाउंड्री लेयर थ्योरी से क्वेश्चन है इसके लिए हमें बाउंड्री लेयर थ्योरी थोड़ी सी समझनी पड़ेगी तो मान लीजिए ये हमारा इस तरीके से कोई पाइप है ओके okay. ये पाइप का सेक्शन है पहले डिक्रीज हो रहा है देन उसके बाद अगेन इंक्रीज हो रहा है ठीक है तो यहाँ पे क्योंकि ये इस एरिए में लेफ्ट वाले एरिए में पाइप धीरे धीरे पाइप जो है उसकी जो सरफेस एरिया है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ कर रहा है ठीक है तो क्योंकि इसका जो एरिया है वो धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है तो इसका जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी ठीक है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है वो इट विल बी ग्रेटर देन जीरो ओके और वेलोसिटी ज़्यादा होगी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो हमारा जो प्रेशर होगा वो कम होगा ठीक है तो इस एरिया में जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है प्रेशर ग्रेडियंट विल बी लेस देन जीरो ओके अब इस एरिया की बात करते हैं इस एरिया में हमारी जो सरफेस हमारा जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो धीरे धीरे कम हो रहा है धीरे धीरे ज़्यादा हो रहा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम हो जाएगी ठीक है तो वेलोसिटी कम होगी तो, हो तो जो हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट है वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा ठीक है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है डिस्टेंस के साथ ओके और जो हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है तो जो हमारा प्रेशर है वो बढ़ रहा होगा ओके तो प्रेशर ग्रेडियंट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो ओके और जो हमारा फ्लो होता है फ्लो किस तरीके से होता है इस एरिया में यहाँ पर हमारा फ्लो है जो वो इस तरीके से वेरी करेगा यहाँ पर भी इस तरीके से वेरी करेगा यहाँ ऐसे करके वेरी करेगा ऐसे करके ठीक है अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा फ्लो सेपरेशन हो जाएगा ठीक है जो हमारा फ्लो है वो सेपरेट कर जाएगा इस तरीके से और यहाँ पर से पीछे को मुड़ जाएगा क्वेश्चन में बोल रखा है कि सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स वेन प्रेशर ग्रेडियंट ठीक है तो प्रेशर ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है जब सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर होने लग जाता है तो यहाँ पर इस पॉइंट पर यहाँ पर हमारा जो प्रेशर ग्रेडियंट है मिनिमम होगा ठीक है यहाँ पे लेस देन जीरो है देन अराउंड जीरो है ठीक है देन उसके बाद ये ग्रेटर देन जीरो हो जा रहा है तो यहाँ पे यहाँ की जहाँ पर से हमारा प्रेशर ग्रेडियंट इजिक्वल्स टू जीरो हो जाता है नेगेटिव वैल्यू से जब पॉजिटिव आते आते जब इजिक्वल टू जीरो हो जाता है तो उस समय हमारा सेपरेशन ऑफ फ्लो स्टार्ट हो जाता है ठीक है तो सेपरेशन ऑफ फ्लो अकर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट टेंस टू अप्रोच जीरो तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर द वैल्यू ऑफ द वॉल शेयर इज थ्री टाइम्स ऑफ टर्बुलेंट शेयर ठीक है तो मान लीजिए ये हमारी वॉल है और ये जो हमारा पाइप है इसकी रेडियस मान लो कैपिटल आ है ओके तो बोल रखा है एट वर्ट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री एयर द वैल्यू ऑफ वॉल शेयर इज़ थ्री टाइम्स ऑफ टर्ब एयर तो बोल रखा है कि मान लीजिए जो हमारी वॉल है इस पर शेयर स्ट्रेस टाओ नॉट है यहाँ पर कोई पॉइंट है पी ये है एट अ डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम दिस बाउंड्री तो मान लीजिए जो पॉइंट पी है इस पर जो हमारा शेयर स्ट्रेस है इट इज़ टाओ तो इसने बोल रखा है कि जो हमारी वाई की वैल्यू कितनी होगी कि सच दैट टाउ नॉट इज इक्वल टू थ्री टाइम्स ऑफ ओके तो मान लीजिए कि जो पॉइंट पी है ये जो सेंटर लाइन है इससे स्मॉल आर की डिस्टेंस पर ओके तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है अपने सीयर स्ट्रेस का फ्रॉम सेंटर लाइन मान लीजिए डिस्टेंस आर है नीचे को ठीक है तो तो टाउ जो होता है सीयर स्ट्रेस होता है इट इज इक्वल टू वर्ट माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इन स्मॉल आर बाय टू ओके okay, तो जो ये टाउनऑट होगा दैट मीन्स बाउंड्री लेयर पे जो पॉइंट है उस बाउंड्री पे जो पॉइंट है उसका जो सीयर स्ट्रेस होगा इट विल बी वॉर्ड टाउनऑट यूज टू माइनस डेल पी बाय डेल एक्स यहाँ पर स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी स्मॉल आर यूज टू कैपिटल आर सेंटर से इसकी डिस्टेंस कैपिटल आर है तो कैपिटल आर बाय टू ठीक है तो जो पॉइंट पी है उस पर जो सीयर स्ट्रेस होगा वो होगा माइनस डेल पी बाय डेल एक्स इन स्मॉल आर बाय टू ठीक है जो हमारा हमने ये डिस्टेंस स्मॉल आर मान रखी है और जो ये जो बाउंड्री है जो उस पर जो हमारा सी एर स्ट्रेस होगा वो होगा टाओ नॉट इज टू माइनस डेल पी बाय डू कैपिटल आर बाय टू ठीक है तो इसको मान लीजिए इक्वेशन वन इसको मान लीजिए इक्वेशन टू अब इक्वेशन वन डिवाइडेड बाय मैंने जब इक्वेशन टू करा तो मेरे पास आया टाओ डिवाइडेड बाय टाओ नॉट इज इक्व टू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर ओके तो यहाँ से आ गया टाओ इज इक्व टू टाओ नॉट स्मॉल आर बाय कैपिटल आर ठीक है अब स्मॉल आर को मैं क्या लिख सकता हूँ कैपिटल आर बाय वाई कैपिटल आर माइनस वाई डिवाइडेड बाय आर ठीक है तो टाउ इज इक्वस टू यह टाउ नॉट इनटू कैपिटल आर माइनस वाई डिवाइडेड बाय आर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ क्या था मेरे पास एक्सप्रेशन था टाउ इज इक्वस टू टाओ नॉट इंटू कैपिटल आर माइनस वाई डिवाइडेड बाय आर ठीक है तो ये इजुक्स हो गया क्या टाओ नॉट इन टू वन माइनस वाई बाय आर यह आ गई मेरे पास वैल्यू टाओ की ठीक है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि टाओ नॉट इजिक्वल्स टू थ्री टाओ है और हमें वाई की वैल्यू निकालनी है ठीक है तो हमने क्वेश्चन में क्या दे रखा है टाओ टाउनॉट इजिक्वल टू है थ्री टाओ ओके अब हमसे पूछ रखा है वाई वाई इजिक्वल टू कितना होगा ठीक है तो हमारी होगी इक्वेशन वन ये होगी इक्वेशन टू अब हमें इक्वेशन टू दैट मीन्स टाओ नॉट इक्वल टू थ्री टाओ को जब इक्वेशन वन में रखेंगे तो हो जाएगा इज इजिकल टू थ्री टाओ इन् टू वन माइनस वाई बाय आर ओके तो टाओ से टाओ कैंसिल हो जाएगा ठीक है तो वन माइनस वाई बाय आर इजिक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई थ्री ओके तो वाई बाय आर इजिक्वस टू क्या आ जाएगा वन माइनस वन बाय थ्री इजिक्वल टू जाएगा क्या थ्री थ्री माइनस वन तो इनका टू बाय थ्री ठीक है विच इम्प्लाइज वाई इजिक्वल टू क्या टू आर थ्री okay. so ओके तो वाईस टू टू आर वाई थ्री जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग दिस्पॉसिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर अगेन बाउंड्री लेयर है हमने अभी अभी क्वेश्चन इस क्वेश्चन किया हुआ है बाउंड्री लेयर पर ठीक है बाउंड्री लेयर थ्योरी पर क्वेश्चन हमने किया था यहाँ पे कि जब बाउंड्री लेयर होती है ना वो कब फॉर्म होती है जब हमारा प्रेशर ग्रेडियंट है वो जहां पे जीरो हो जाता है वहाँ पर से हमारी बाउंड्री लेयर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है ठीक है और जहाँ पे ग्रेटर देन जीरो होता है प्रेशर ग्रेडियंट वहाँ पर हमारी पूरी बाउंड्री लेयर ही रहती है ठीक है तो क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेशन ऑफ बाउंड्रीयर सेपरेशन ऑफ बाउंड्री लेयर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट ठीक है जब हमारा डेल पी बाय डेल एक्स इज ग्रेटर देन जीरो होता है तब हमारा जो बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो जाता है ठीक है स्टार्ट कब होता है जब डेल पी बाय डेल एक्स इजिक्वस्ट टू जीरो होता है वहाँ पर स्टार्ट होता है और जब ये ज़्यादा हो जाता है जीरो से उसको हम तब हमारा बाउंड्री लेयर सेपरेशन होता है ठीक है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सॉल राइट गाइज़ ये थी आज की जो हमने क्विज अपलोड किया था अपने टेलीग्राम चैनल पर उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना गंदी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे के सारे लेक्चर्स और वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल इंजीनियरिंग बाय इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब करें